पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भटनावर गांव में एक नवविवाहिता को दहेज के लिए उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरा न होने पर महिला को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। शुक्रवार को महिला ने अपने माता पिता के साथ पोहरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पति सास ससुर और ताऊ ससुर के विरुद्ध मारपीट सहित दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गसमानी कस्बे की रहने वाली 23 वर्षीय पीड़ित महिला रूबी शाह शुक्रवार को अपने माता पिता के साथ पोहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना कर पाने की वजह से उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले भटनावर के जावेद शाह से हुई थी। शादी के 1.5 साल तक वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले 6 महीने से पति सास ससुर और ताऊ ससुर मायके से 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। बीते रोज इसी मांग को लेकर पति जावेद ने उसकी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। आस पड़ोस के लोगों ने उसे बचाया, जिसके बाद पड़ोसी की मदद से अपने पिता को पूरी जानकारी दी। उसके बाद गसमानी ने माता पिता ने पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज कराया। पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर से पति जावेद सास शकीला ससुर आमिद और ताऊ ससुर गट्टी शाह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 IPC और 498A के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज जो पोहरी थाने पे आई हो, किस लिए आई हो आप? मेरे पति ने मेरी बहुत मार पीट की। तो कहाँ पे थे आपकी ससुराल? कहाँ पे है? ये भटनावर पास में। अच्छा, तो क्या कुछ कहते हैं आपके पति? ये कहते तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, और मुझे तो 2 लाख रुपया चाहिए तेरे घर वालों से, एक मोटरसाइकिल चाहिए, और सास ससुर ने सब दान ही दे दिया मुझे। मेरा नाम सफूर खान है। तो आप जो पोहरी थाने पे आए हो, किस लिए आए हो? तो साहब, हमारे बच्चे की FIR कराने के लिए आए हम, और भटनावर में ब्याह है लड़की, दमाद ने बहुत मारपीट की है उसकी, इसलिए हम रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो आप किसने मारा आपकी बच्ची को? दमाद ने मारा। तो ज़्यादा मारा है? ज़्यादा मारा है साहब, इतना मारा है कि वो तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा हो तो, और वो तो पड़ोस वालों ने बचा लिया, नहीं नौकर हो तो अपने बाप से गाड़ी लेके आ और 2 लाख रुपया लेके, नहीं तुझे कुछ जान से ख़त्म कर दिया।